और इसी बीच हरियाणा से एक बड़ी खबर आ रही है, बेहद अहम खबर। गोहाना से खबर है जहां गरीबों को मिलावटी तेल मिल रहा है, गरीबों तक मिलावटी तेल पहुंच रहा है। बीपीएल परिवारों को सरसों का ये मिलावटी तेल पहुंचाया जा रहा है। शिकायत के बाद भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों ने शिकायत की है कई बार, लेकिन अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और यहां तक कि डिप्टी सीएम से भी इस की शिकायत की जा चुकी है। वहीं स्थानीयों का कहना है कि इस तेल से हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं और एसडीएम ने फिलहाल गंभीरता से जांच करने का आश्वासन दिया है। गोहाना से बड़ी खबर इस वक्त की, जहां गरीबों को मिलावटी तेल मिल रहा है। बीपीएल परिवारों को सरसों का ये मिलावटी तेल मिल रहा है, जिसके बाद जो वहां के स्थानीय लोग हैं उन्होंने कई बार शिकायत की है, लेकिन शिकायत के बाद भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से भी इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार इस तेल के सेवन से हमारे बच्चे जो हैं वो बीमार हो चुके हैं। इस पूरे मामले के संज्ञान में आ जाने के बाद से एसडीएम ने अब जांच की आश्वासन दी है। तो सबकी बेहद अहम खबर जो कि गोहाना से आ रही है, जहां गरीबों को सरसों का मिलावटी तेल मिल रहा है। ये बीपीएल परिवार है जिन्हें सरसों का ये मिलावटी तेल पहुंचाया जा रहा है। अब इस मिलावटी तेल से वहां के जो लोग हैं उनके बच्चों को काफ़ी बीमारियाँ हो रही हैं, जिसके बाद उन्होंने शिकायत लगाई, लेकिन इस शिकायत के बावजूद किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि स्थानीयों का कहना है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से भी इसकी शिकायत लगाई जा चुकी है। पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद से अब एसडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं और आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस परेशानी का हल निकाल दिया जाएगा। बीपीएल परिवारों को सरसों का तेल, मिलावटी सरसों का तेल पहुंचाया जा रहा है। शिकायत के बाद भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। सरसों की बेहद अहम खबर, जहां सरसों के तेल में मिलावट का मामला सामने आया है। बीपीएल परिवारों को सरसों का मिलावटी तेल पहुंचाया जा रहा है। राम सिमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राम, क्या जानकारी आ रही है? हाँ देखिए, सरसों का तेल है कोटे में मिलने वाला बीपीएल परिवारों का सरसों का तेल है। और सरसों का तेल का जो ये मामला है पहली बार नया मामला नहीं है, इससे पहले भी ये मामला आया था जो कि गोहाना के बली ब्राह्मणान में आया था। जब इस तेल को मिलावटी तेल जो लोगों को दिया गया था तो लोगों ने इसकी शिकायत की थी और स्थानीय तौर पर जो अधिकारी हैं उनसे भी मुलाकात करी थी और कहीं ना कहीं उन्होंने उसको टालने की कोशिश भी की थी और कई बार उन्होंने धक्के खाए और चक्कर काट कर वो अपने घर बैठ गए। अंत में उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला और लेकिन तब इस मामले में जो डिप्टी सीएम है उनसे इस बारे में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने यही कहा था कि इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी और उन्होंने आदेश भी दिए थे और आदेश देने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अभी हाल में ही एक ताजा मामला गोहाना के रामगढ़ का है, जहां रामगढ़ में इस प्रकार का जो मामला है वो देखने को मिला, जहां लोगों को, गरीब जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको मिलावटी तेल परोसा जा रहा, दिया जा रहा है। और ऐसा एक बार नहीं है, काफी गांवों में ऐसा मामला देखने को मिल रहा है। आसपास के कई गांव में इस प्रकार के मामले देखने को मिल रहे हैं और लगातार अधिकारियों से इस बारे में पूछने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कैमरे से बचते नजर आते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कि ये उच्च स्तर का मामला है, अधिकारी करेंगे, बड़े अधिकारी करेंगे। लेकिन बात जो आम आदमी की है, गरीब आदमी की है, गरीब आदमी के जो रसोई में जो तेल पहुंचता है वो इस उम्मीद पर पहुंचता है कि गरीब आदमी महंगा तेल खरीद नहीं सकता और इसलिए कहीं ना कहीं बीपीएल परिवार की कैटेगरी में उनको शामिल किया जाता है। और जब ये तेल उनको उनकी रसोई तक पहुंचता है तो वो बेहद गंदा और बदबूदार, और इसका प्रयोग करने से न केवल बच्चों के शरीर के जो सर के जो बाल हैं वो उतर रहे हैं, दूसरा खाने में जब इसका प्रयोग करते हैं तो किसी को एलर्जी हो रही है, कोई बीमार पड़ रहा है, तो इस प्रकार के काफी कारण, काफी बीमारियां जो हैं लोगों के घरों में देखने को मिल रही है। लोग फिर भी मजबूर होकर इसको खा रहे हैं और सबसे बड़ी परेशानी तो ये भी है कि लोग खाने के बावजूद इसको कई बार अधिकारी के पास लेकर पहुंचे हैं और ये भी कहते हैं कि आप इसको खा के देखिए, तो अधिकारी ये कहते हैं कि ये पीछे से ऐसा आया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जब अधिकारी ही अपना पल्ला झाड़ते हैं तो आखिर ये लोग कहाँ जाएं? जी बिल्कुल राम, जिस तरीके से एसडीएम ने कहा है कि जांच की जाएगी, आश्वासन दिया है, क्या कोई तारीख बताई है कि आखिर कब तक ये जांच पूरी की जाएगी?
देखिए गोहाना के जो एसडीएम है वो निश्चित तौर पर अपनी कार्रवाई करने में कभी ढील नहीं करते, लेकिन यहाँ पर जो उच्च अधिकारी हैं, उच्च अधिकारियों को इस मामले में जांच के आदेश दिए गए थे, और लास्ट टाइम जब डिप्टी सीएम ने संज्ञान में जब मामला गया था तो उन्होंने यही कहा था कि इसमें संलिप्त जितने भी अधिकारी या अन्य जो लोग हैं जो इस मामले में पूरा घालमेल कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो ये मामला अभी ज्यों का त्यों है, और हाल में ही कई गांवों में मिलावटी तेल लोगों को दिया जा रहा है जिसकी वजह से काफी परेशानी आ रही है। प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है अभी कोई इसका कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है, क्योंकि अधिकारियों से इस बारे में जब बातचीत की जाती है तो कहीं ना कहीं वो कैमरे से बचते नजर आते हैं, और खाद्य आपूर्ति विभाग के जब अधिकारियों से मिलना चाहा तो उन्होंने ये कहा कि ये उस स्तरीय अधिकारियों का काम है, ये हमारा काम नहीं है, आगे से जैसा आएगा हम वैसा का तेल डिपो में भेजते हैं। जी बिल्कुल राम, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं जिन तक ये खराब सरसों का तेल पहुंच रहा है वो परेशान है, और ये पहला मामला नहीं है, क्यों जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी इससे पहले भी इतने मामले आ चुके हैं, उसके बाद भी इतनी लापरवाही, मरीजों जो लोग हैं उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी देखिए बिल्कुल, स्वास्थ्य हर किसी का मायने रखता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, और निश्चित तौर पर एक गरीब आदमी के लिए तो सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वो उसका गरीब होना भी कहीं ना कहीं यहाँ शर्मनाक हो गया है, मजबूरी हो गई है, क्योंकि उसकी थाली में जो तेल पहुँचाया जा रहा है उसमें भी घालमेल किया जा रहा है, इतना गंदा और बदबूदार तेल उसके घरों तक भेजा जा रहा है, जब वो इस तेल को खाते हैं सब्जियों में प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके बच्चे उनका परिवार बीमार पड़ता है, उल्टा जहां पैसे उनके बचने चाहिए उल्टा वो सिविल हॉस्पिटल में जाकर या जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां जाकर पैसे खर्च करते हैं, बच्चों को ठीक कराने के लिए इलाज के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन कहां सो रहा है, आखिर प्रशासन को जहां अभी तक संज्ञान लेना चाहिए था, कार्रवाई की जानी चाहिए थी, या इसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी देखने को मिल रही है, या नीले जो नोट है उनके दबाव में कहीं ना कहीं वो अपना कर्तव्य भूल गए हैं। तो ऐसे इस प्रकार के मामले लगातार गोहाना में बढ़ते जा रहे हैं, और गोहाना में जो मिलावटी तेल का कारोबार है आखिर कौन लोग हैं ये जो कर रहे हैं, आखिर इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, सवाल ये खड़ा होता है। बिल्कुल राम, जिस तरीके से आपने अभी जानकारी भी दी कि डिप्टी सीएम तक ये बात पहुंच चुकी है, उन्होंने कब तक कार्रवाई करने का समय दिया है? देखिए ये जो मामला है, जब बलि ब्राह्मणा का मामला जनता टीवी ने विशेष रूप से उठाया था तो पहली बार जब डिप्टी सीएम से इस बारे में बातचीत की गई थी तो उन्होंने यही कहा था कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन करीबन 20 से 25 दिन गुजर गए हैं, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई यहाँ देखने को नहीं मिली है। और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जहां डिप्टी सीएम में कार्रवाई के आदेश दे देते हैं और निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, निचले स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो कहां सो रहे हैं, आखिर वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर उन लोगों को क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इन सब जो बातों से इस प्रकार के जो मामले हैं जो सामने आ रहे हैं उनसे तो सीधे तौर पर तस्वीर यही दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास प्रशासनिक अधिकारी या अन्य लोग कर रहे हैं, क्योंकि मिलावटी तेल का कारोबार जो है वो एक छोटे लेवल पे नहीं बहुत बड़े लेवल पे किया जा रहा है, क्योंकि गरीब लोगों का बहुत सारा काफी बड़ा सर्कल है जहां गरीब लोगों को जो बीपीएल परिवार हैं उनको मिलावटी तेल दिया जा रहा है, हालांकि गरीब लोग फिर भी काफी लोगों ने इसका प्रयोग भी कर लिया, खाने के बाद पता लगा कि उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा, उनको कारण का पता नहीं लगा कि आखिर उनका स्वास्थ्य किन कारणों से खराब हो रहा है, लेकिन जब तेल को देखा गया, जब डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आखिर तुम लोगों ने क्या खाया था, तब उन्होंने बताया कि हमारे घर में तो ऑयल है, हमने जब से वो ऑयल यूज किया है तब से उनका हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो उन्होंने तेल को भी हालांकि जांच किया, वो इन्वेस्टिगेशन तो पे रहा होगा, लेकिन देखने के बाद कहीं ना कहीं वो लोग लगातार उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। और ऐसा जब और एक बात और विशेष चीज जब हमने उदाहरण से बातचीत करनी चाहिए थी। राम हमारे साथ आप बने रहिए, फिलहाल दर्शकों को सुना देते हैं कि जो स्थानीय निवासी है उनका क्या कहना है इस मिलावटी तेल को लेकर। कब मिला था ये, कब से दिक्कत आ रही है? क्या लगता है क्या मिला रखा है इसमें? दोनों की दोनों बोतलों में इतना ज्यादा जहर है जिसकी कोई भी हद नहीं।
हमारे को ये नहीं समझ में आ रहा है ये इसमें रिफाइंड है या तेल है या ग्रीस है क्या नहीं है, ये नहीं समझ में आ रहा हमारे को। हमने तो इस बात के हमारे एक शीशी खोल ली थी, खोलने के बाद उसको देखा तो बच्चे बीमार हो गए, स्कूल में दाड़े वाले थे तेल पे। अच्छा बच्चे ने गुड़िया ने सर में लगा लिया तेल, ये सिर में लगा लेते सरसों का तेल है, गुड़िया सर के सारे बाल उतर गए, झड़ने लग गए बिल्कुल सारे, हाँ सारे सर में एलर्जी बढ़ गई। तेल के बारे में तो आपने बता दिया जी, हमने बताया लोगों ने बता दिया, तेल बिल्कुल जहर के माफी कर, तेल बिल्कुल किसी को भी सूट नहीं हुआ है। क्या-क्या दिक्कत आ रही है इसकी वजह से, क्या-क्या दिक्कत आ रही है? एलर्जी बनी हुई है लोगों को, जो एक दो बार लगा लेता उसके सिर में एलर्जी हो जाती है जी। कोटे बारे में, और हमारे गाँव में ही कोटा नहीं है, कोटा लेना हमें दूसरे गाँव में जाना पड़ता है, वैसे छोटे छोटे गाँव है, कोटा सरकार यहाँ भी दे सकती है हमारे को, लेकिन नहीं वो हमारे एक दुखी करने वाली बात है। खराब तेल मिल रहा है, गंदा तेल, और बीमार हो गए। क्या क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत सारे को खसोटड़ी मारता है, कति सारे शरीर का लाल हो कर सारा काला, कति गले रुक गया है जमा एकदम, तक कुछ खाना नहीं खा जाता फिर। तो राम, जिस तरीके से स्थानीय लोगों से बातचीत भी गई, उनका भी यही कहना है कि लगातार इस तेल के सेवन से उन्हें बीमारियां हो रही है। हालांकि डॉक्टर ने भी ये कह दिया है कि इस तेल का इस्तेमाल ना किया जाए, फिर भी अधिकारी बचते हुए नजर आ रहे हैं। राम जी, अधिकारियों को तो लगातार हमने प्रयास किया ही है, बाकी हम लगातार ग्राउंड पे हैं और लगातार लोगों से इस प्रकार के मामले जो है हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जितने भी मामले हैं जनता टीवी ने सबसे पहले दिखाए, सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट चेक किया और ग्राउंड रिपोर्ट की जब पता लगा तो तीन गांवों में हम पहुंचे हैं, तीसरा गांव यहां नजदीकी गांव था। जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की डिपो होल्डर से, तो डिपो होल्डर था, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने उससे पर्सनली बात करना चाहा कैमरा बंद करके, तो उन्होंने यही कहा कि ये अगर हमने इस बात को ऊपर उठा दिया तो उच्च अधिकारी हैं जो हम पे गाज गिरेगी और हमारे गांव का कोटा कहीं और चला जाएगा। जैसे रामपुर के लोग हैं हमारे गांव में कोटा लेने के लिए आते हैं, तो ऐसे ही हमें दूसरे गांव में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के सवाल कहीं ना कहीं बिल्कुल तस्वीर साफ कर देते हैं, ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक सब का सब मिला हुआ है और सब बिल्कुल घालमेल है। आखिर कार्रवाई कब होगी इसका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल राम, सवाल यही है कि आखिर कार्रवाई कब तक होगी। राम बाप बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से इस तेल के खेल की ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से गरीब परिवारों में ये मिलावटी तेल पहुंच रहा है।